हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा हम लोग बोर्ड 2024 केमिस्ट्री पेपर जो 27 तारीख को होने वाला है, उसी सिलसिले में मैंने एक प्लान तैयार किया है कि आपको जो गैप है उन गैप में कैसे केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है। तो बेटा देखो, मेरे पास जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है 2024 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री पेपर 27 तारीख को जो आपको कंडक्ट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चीज़ को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज से मैं 9:30 से लाइव क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी प्लान है, आपको कैसे इसमें जीरो से हीरो जा सकते हो और आपने केमिस्ट्री को अभी तक टच नहीं किया है, तो कैसे उसमें आप पास मार्किंग का स्कोर कर सकते हो। तो जो मैंने स्पेशली जो स्ट्रेटेजी तैयार किया है कि 22 तारीख को क्या पढ़ना है आपको, है फिर मेरे पास 23 तारीख को क्या शेड्यूल होगा, फिर इसके बाद 24, 25, 26 को क्या शेड्यूल होगा। तो और मैंने जो टॉपिक को यहाँ पर डिजाइन किया है, उसी हिसाब से आप टॉपिक को तैयार करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो कम टाइम में यानी गैप में केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है, और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं किया है और कुछ पढ़ा नहीं है, उन पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट करके, ये केवल कीवर्ड तैयार कर लोगे तब पर भी आप अच्छे से 30 से लेकर के 40 मार्क्स आप बेटा सिक्योर कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखो, यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमारी केमिस्ट्री में जो सब चैप्टर स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो बेटा सॉल्यूशन का वेटेज आपके 7 नंबर का ये वेटेज चैप्टर लेके चलेगा। तो स्पेशली मैं टॉपिक को डिवाइड किया है, सॉल्यूशन में स्पेशली सॉल्यूट होता है जिसको बी से इंडिकेट करते हैं और सॉल्वेट को ए से इंडिकेट करते हैं। तो मेनली आपको इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ना है, मैंने इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो मेनली आपको कॉन्सेंट्रेशन, देखो जो टर्म आता है आपको इसमें मोलरिटी पढ़ना है, मोलैलिटी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन पढ़ना है। तो किसी भी रेफरेंस बुक से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मेरे क्लास 12th के वन शॉट में भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। मैंने ये सारे वन शॉट चैप्टर अपलोडेड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास 12th वन शॉट चैप्टर्स में आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन में आपको पार्ट्स पर मिलियन हो गया, या आपके पास W/M हो गया, W/W हो गया, ये सब चीज़ें पेपर में उतना नहीं आता है। मेनली आपके ये तीन आपको अच्छे से किसी भी स्टडी मटेरियल से याद करना है, तैयार करना है। ओके, अब देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन के बाद हमारे पास दो लॉ बड़े फिक्स हैं। तो इसमें थ्योरी में स्पेशली हेनरी लॉ है, तो किसी न किसी सेट में हेनरी लॉ आएगा, किसी न किसी सेट में राउल्स लॉ को आएगा। क्लियर हो गया? और राउल्स में बेटा दो केस में स्टडी कर लेना है, यानी कि एक आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, इनके डिफरेंस क्या होते हैं, डिफरेंस में एग्जाम्पल अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्या होता है, क्वेश्चन आपको ठीक ठाक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बन जाता है। अब नॉन आइडियल के बेटा दो केस होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन होता है, निगेटिव डेविएशन होता है। तो इनके आपको डिफरेंस, और इसके बाद इसी में आप एजियोट्रॉप को भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, देख लेना, क्योंकि इनसे भी थ्योरी बन जाता है। एजियोट्रॉप में मैक्सिमम वॉलिंग है जो ट्रॉप किस में आता है, मिनिमम वॉलिंग है जो ट्रॉप किस में आता है। तो ये सारे पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इनको अच्छे से देख करके रिवाइज करना, या अलग से इसका कीवर्ड नोट कर लेना है। इन्हीं को आपको अच्छे से तैयारी करना है 27 तारीख के पेपर को लेकर के, यही आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ओके, अब बेटा देखो, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, आपको जो आपका आधा दिन मिला है 22 तारीख का, जो आप पेपर देख करके आए होंगे, इंग्लिश का पेपर देख करके, तो 22 तारीख का भी अभी आपके पास आधा दिन का समय बचा है। तो आप मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो स्पेशली आप सॉल्यूशन को आज 22 तारीख को किसी भी हालत में विद PYQ के साथ, इसको आपका ये स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि PYQ के साथ आपका 22 तारीख के दिन सॉल्यूशन चैप्टर का पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा देखो, इसमें CP आता है, तो CP में आपके चार पॉइंट्स होते हैं, RLBP होता है, ΔTB होता है, ΔTF होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इनसे हर साल इस पर आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल मिल जाएगा। तो आपको हर एक फॉर्मूले पे बेटा क्या कर लेना है, आपको हर एक फॉर्मूले पे दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाना है। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए आज 22 तारीख को लेकर के। वन ऑफ फैक्टर सब में मल्टीप्लाइड करके, वन ऑफ फैक्टर को कैसे आई निकालते हैं, अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, ये भी आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो बेटा ये आपका स्ट्रेटेजी था, 22 तारीख का आपका सॉल्यूशन चैप्टर इंड अप हो जाना चाहिए। अब देखो, आपको नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 23 तारीख वाले में जब आपके पास समय मिलेगा, तो 23 तारीख वाले में क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो 23 तारीख वाले में आप इलेक्ट्रो को, केमिकल को और DF ब्लॉक को पूरी तरह से कोशिश करो खत्म करने का। अगर डी नहीं हो पाता है तो इलेक्ट्रो को, केमिकल को इंड अप करो, ये विथ PYQ हो जाने चाहिए। तो 23 तारीख को आपका PYQ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ और केमिकल काइनेटिक्स के साथ विथ PYQ होना चाहिए, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। अगर एकदम कोई नहीं पढ़ा हुआ है तो जो मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ उसको आप हाईलाइट कर लो। तो नस्ट पे तो भैया आपको एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, या आप आंख बंद करके लिख लीजिए, नस्ट पे तो न्यूमेरिकल आना ही आना है। हर साल नस्ट पे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, ईसल कैसे निकालते हैं। तो जो विद्यार्थी नए होंगे या स्पेशली जिनकी पढ़ाई एकदम जीरो लेवल की होगी,
तो आप केवल नेक्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला तो रट सकते हो, और फॉर्मूले को रट करके आप ये देखोगे कि इसमें क्या पूछा गया है। ई सेल पूछा गया है तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपको ऐसे भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। और जो इससे रिलेटेड आपके एप्लीकेशन होते हैं, डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी होता है, और ई नॉट सेल से आपका जो केसी निकालते कैसे हैं, ये सब पर भी आपको न्यूमेरिकल बन जाएंगे। ये नस्ट के एप्लीकेशन भी आते हैं। अगला बेटा आपको स्पेशली क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसमें जो थ्योरी बनता है, इसका डिफरेंस पूछ लेता है, सॉल्ट ब्रिज का सिग्निफिकेंस पूछ देता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, थ्योरी को भी आपको एक बार विजिट कर लेना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेटा स्पेशली आपको क्या याद रखना है, ये आपके कंडक्टिविटी है के, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल और इसका यूनिट जो होता है आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। न्यूमेरिकल आपके इस वाले पैटर्न पर अल्फा हो गया, और आपका ये आपके पास मोलर कंडक्टिविटी हो गया। के कैसे निकालते हैं, ये आपके पास ये मेनली आपका अल्फा और मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल पूछता है। इसमें थ्योरी में आपका कोलराज का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में बेटा सिंपली क्या पूछेगा, कोलराज का स्टेटमेंट पूछता है। अगला आपके पास फराडे लॉ है, और बेटा बैटरी। तो बैटरी स्पेशली 4 बैटरी इसमें है, 4 बैटरी में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके सामने आता है फ्यूल सेल आता है। इसके अलावा भी आपके पास लेड स्टोरेज है, निकिल कैडमियम मरकरी है। तो इनके स्पेशली आप यूज याद कर लोगे, क्योंकि एक एक मार्क्स में या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है। स्पेशली फ्यूल सेल के बारे में आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका इक्वेशन क्या होता है, फ्यूल सेल को लेकर के सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। अगला बेटा देखो इसमें केमिकल काइनेटिक्स है, तो केमिकल काइनेटिक्स देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 नंबर का चैप्टर है, तो पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 8 नंबर का वेटेज है। तो ये सारे न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स है, यानी हर एक फॉर्मूले पे आपको दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना है। अगर जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा हुआ है तो ये खाली टॉपिक का फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लेगा, तब पर भी आपको 30 से 40 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो मेरा देखो आने का पर्पज ये था कि आपको ये माइंडसेट खोल दिया जाए कि आपको आखिरी के गैप में पढ़ना कैसे, और पढ़ना है तो क्या क्या चीजें पढ़ना है समझो। ये आपके सामने समझो कि मैंने पूरा चीजें सिलेबस को एक तरह से पोस्टमार्टम कर दिया, खोल दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपका समझो कि पढ़ाई करना चाहिए आपको गैप में लेकर के। अब बेटा देखो इसमें केमिकल काइनेटिक्स छोटा चैप्टर से ये 6 नंबर का वेटेज देके जाएगा, ये भी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर से। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट को माइनस पर लिखते हैं, प्रोडक्ट को प्लस पर लिखते हैं, और स्पेशली क्या होता है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जो कोफिशेंट होते हैं वो डिवाइड में आ जाते हैं। तो इसका भी वन शॉट आप देख सकते हैं, एक बार वन शॉट देख करके फिर पीवाईक्यू लगाया करो। हर चैप्टर का कम से कम जो 5 5 ईयर्स के जो लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अदरवाइज क्या है कि अगर आपके पास नहीं है तो मेरे साथ जुड़े रहे, 9:30 पर हम रेगुलर लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं, ये मेरा प्लान है, 9:30 पर लाइव क्लास। तो आज के लाइव क्लास में हम लोग 22 तारीख यानी 22 फेब को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन विद पीवाईक्यू। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कराऊंगा, मैं अपने लाइव क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ाऊंगा। जितने भी आपके आज से 10 साल या 5 साल में जितने भी आपके फिजिकल के इनऑर्गेनिक के ऑर्गेनिक के आए हुए क्वेश्चन है, ओके। अब बेटा देखो थ्योरी में स्पेशली ऑर्डर है, मॉलिकुलरिटी में डिफरेंस पूछ लेता है। अब इसके बाद देखो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, इनके आपके जो इक्वेशंस होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, इस पर आपको दो दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना है। और फर्स्ट ऑर्डर में जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% कम्प्लीट हो रहा है 60 मिनट में, तो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है, कैलकुलेट टाइम निकालना है फॉर 60% कम्प्लीशन के लिए। क्लियर हो गया। इसमें ग्राफ भी आता है, तो ग्राफ जीरो ऑर्डर का हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन में बेटा स्पेशली ये वाला जो फॉर्मूला होता है, इस पे भी आपको एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया, फिजिकल का हमने पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर लिया। तो ये आपका प्लान होना चाहिए, ये आपको 23 तारीख को पूरी तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स विद पीवाईक्यू के साथ अच्छे से लग जाना चाहिए। और आपके पास टाइम बचता है तो आप डीए ब्लॉक को भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम बेटा आज के गैप में, यानी कि जो भी आपके गैप बचे हुए हैं 4 से 5 दिन, उसमें आप 12 से 14 घंटा की स्टडी करें, इतना तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा देखो स्पेशली डी ब्लॉक में क्या पढ़ना है, तो मेनली जो हाईलाइटेड पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितने फैक्ट वाले होते हैं, लाइक जैसे मैंगनीज प्लस 700 करता है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। कैटलिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एलॉय क्या होता है, इंटरस्टीशियल क्या होता है, इन कंपाउंड के जो प्रिपरेशंस होते हैं इनको आप तैयार कर लीजिए। इनके कुछ आयनिक इक्वेशन के बैलेंसिंग आते हैं, बड़े छोटा चैप्टर्स है, आसानी से आपको ये 5 नंबर दे के चला जाएगा। चैप्टर्स बहुत आसान चैप्टर्स है, इसमें थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा है, तो आसानी से आप इनको जो मैंने हाईलाइट किया है इन पॉइंट को अच्छे से रट्टा मार लीजिए। आयनिक इक्वेशन में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक से अपने से याद कर सकते हो, जैसे आई माइनस से छोटे छोटे इक्वेशंस होते हैं, I2 में जाता है, Fe आपका बेटा 2 प्लस से
FE 3+ में जाता है, तो ये भी आप इसको देख सकते हैं। मेरे वन शॉट भी हैं, डी ब्लॉक के भी चैप्टर्स में भी देख सकते हैं बेटा। ए ब्लॉक में देखो क्या क्वेश्चन जनरली पूछता है। ए ब्लॉक में जनरली क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, जैसे ए ब्लॉक का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसके अलावा भी 3 के अलावा जैसे सीरियम 4 शो करता है, YB क्या शो करता है, 2+ शो करता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ए ब्लॉक वाले को अच्छे से सेट कर लेना दिमाग में। इसके अलावा बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ कि आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पेपर में आना ही आना है। और बेटा लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के साथ सिमिलरिटी, दो दो सिमिलरिटी याद कर लेना है, दो दो डिसिमिलरिटी याद कर लेना है। तो ये आपका हो गया डी एंड ए ब्लॉक का पोस्टमार्टम हो गया। ये सारे 23 तारीख के टारगेट होने चाहिए, 23 तारीख में आपका चीजें हो जाना चाहिए। मेरा भी ये लाइव क्लास में प्लानिंग है कि मैं इतना आपको 23 में कराने का प्रयास करूंगा। अगला बच्चे देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्पेशली जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स में डेफिनेशन ऑफिनेशन कुछ नहीं पूछता है, डायरेक्ट आ जाइए बाइडेंटेट पे। बाइडेंटेट के दो एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास इथेन 1,2-डायमीन है, ऑक्सलेट है, और इसमें जो किलेशन, तो किलेशन वही बनाते हैं जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, तो इनका डेफिनेशन हो गया। फिर इसके बाद बेटा एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, तो लिगेंड्स में याद करो तो एम्बिडेंटेड को याद करो ना, ये थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है, इस पर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आईयूपीएससी बेटा प्रैक्टिस कर लीजिए, आईयूपीएससी से आपको 1 नंबर का 1.5 नंबर का सवाल फिक्स है। बीबीटी पर बेटा क्या है ना कि 2 नंबर का सवाल फिक्स है, तो बीबीटी में स्पेशली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 4 वाले में स्पेशली आप 2 केस बना सकते हो, SP3D है और D2 DSP2 आता है। ऐसे ही आपके पास 6 वाले में SP3D2 आता है और D2 SP3 आता है। तो इन पे आप किसी भी स्टडी मटेरियल को लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे बीबीटी को भी लेक्चर को देख सकते हैं। तो बेटा मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये स्ट्रेटेजी है कि आपको एक चैप्टर का गो थ्रू करा दिया जाए कि कौन कौन से चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है, ताकि आपको इस गैप में अच्छा रिवाइज कर लो विथ PYQ के साथ। अगला बेटा देखो CFT में ज्यादा देखो सिंपली क्या है ना, D4 का कॉन्फिगरेशन पूछता है, D5 का कॉन्फिगरेशन पूछता है, तो आप केवल आप ऑक्टा हेडल का भी स्प्लिटिंग पढ़ लेते हो तब पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगला बच्चे देखो इसमें आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म में स्पेशली आपको स्ट्रक्चरल होता है एंड स्टीरियो होता है, तो स्ट्रक्चरल काफी आसान है और स्टीरियो में भी स्पेशली देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर केस आसानी से निकालोगे तो आइडेंटिफाई कर ले जाओगे, 4 हो गया और 6 हो गया। 4 वाले में बस सिंपली क्या कहते हैं, A2B2 शो करता है, A2BC शो करता है, ABCD शो करता है। 6 वाले में क्या कहते हैं बेटा आपके पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 वाले में ऑप्टिकल वाले को बस याद कर लो, ऑप्टिकल वाले में जैसे COX3 आ गया, तो ये क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। तो बस इतना आपको चीजें याद कर लो, और स्पेशली क्या कहते हैं जो बाइडेंटेड वाले में, बाइडेंटेड वाले में आपके पास बेटा A2 हो गया और ये मान लो कि AA का 4 हो गया, इनके आपके सिस ट्रांस ड्रॉ करने के आ जाते हैं, यहाँ पर बेटा ट्वाइस आएगा, तो इनके भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मेरा बताने का पर्पज ये है कि 4 और 6 का स्पेशली आइसोमेरिज्म की प्रैक्टिस कर लेना है। अब बेटा देखो एंट्री करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करेंगे, तो ये हमारा प्लानिंग था 24 तारीख वाले में एक चैप्टर को हम हेलोलिकेन्स को भी हेलोरेन्स को भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो 23 तारीख वाला प्लान क्लियर हो गया। देखो 24 को आपको कैसे पढ़ना होगा, 24 को अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन बच गया है और आपके पास ऑर्गेनिक के कम से कम 2 चैप्टर बेटा हो जाना चाहिए, ऑर्गेनिक का आपका हेलोलिकेन्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये 24 तारीख वाले डेट में पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने से, यानी कि जो इसमें मैंने एक कॉमन नेम का वीडियो अपलोड किया है, तो वो सारी चीजें पहले से अगर आपको याद होगा तो भी आप ऑर्गेनिक को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, हम इसको स्टार्टिंग कैसे करें, कैसे इसमें काम करें। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपलेस्ट कैसे स्टार्टिंग करना है, या अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो कुछ मैं पॉइंट्स को हाईलाइट कर देता हूँ, उनको आप खाली पढ़ लीजिए। जैसे नेम रिएक्शन को पढ़ना ही पढ़ना है, नेम रिएक्शन में जो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर के हैं उनको अच्छे से घोल के पी के चले जाना है, एग्जाम में ज्यादातर आपका एल्डिहाइड कीटोन से ही नेम रिएक्शन पूछा जाता है। और बेटा क्या है, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप है, तो टोटल आपके सिलेबस में 8 टेस्ट होते हैं, आपको सिंपली 2 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, 2 मार्क्स बेटा आपको नेम रिएक्शन से मिल जाएगा, क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो हेलोलिकेंस और हेलोरिंस में क्या पढ़ लेना है, बस सिर्फ आप SN1 SN2 पढ़ लो, इस पर आपको बेटा सिंपली 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्लियर हो गया। हेलोरिंस हो गया, हेलोरिंस जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं हेलोलिकेंस से, तो जब भी देखो रिंग में आ जाएगा तो ड्यू टू रेजोनेंस फॉलो करता है, तो बस आप इतना ही हेलोलिकेंस हेलोरिंस पे पढ़ना, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन, यानी कि अगर आप नए होंगे, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो बस खाली इतना टॉपिक पढ़ लीजिए, इससे आपको पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा।
अगला बच्चा देखो, अल्कोहल में मैकेनिज्म काफी पॉपुलर है। अल्कोहल में मैकेनिज्म जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 443 केल्विन है, 413 है। इसका भी मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप उसको वहां से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हो। बाकी इसमें और भी है, ऑक्सीडेशन हो गया, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन हो गया, अगर आप वो सब चीजें कर सकते हो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और बेटा फिनॉल की जो रिएक्शन है, इसमें आपके पास RTR है, ये दो नियम रिएक्शन बड़े फेमस हैं, और इसके बाद कोलवे रिएक्शन है, तो ये दो नियम रिएक्शन इसमें फेमस हैं, इससे आपको एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा बेटा एस्प्रिन है, तो इन तीन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर लो, इस पर आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है, इससे आपको एक नंबर डायरेक्ट मिल जाएगा पेपर में। अब देखो फिनॉल में जो ESR की रिएक्शन होता है, जैसे आपके पास दो ही रिएक्शन ESR में है, ब्रोमीन वाटर के साथ है, और इसमें दोनों एक्सेप्शनल रिएक्शन है, तो फिनॉल की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है ब्रोमीन वाटर के साथ और ब्रोमीन CH2 के साथ, ये आपको अच्छे से कर लेना है। ईथर में इकलौता ही रिएक्शन पढ़ना है, HI के साथ पढ़ना है, बस इतना ही आपको तैयार करना है। अब बेटा देखो एल्डिहाइड कीटोन में जितने भी पॉपुलर नेम रिएक्शन है, इनको आपको अच्छे से कर लेना है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन एक बड़ा चैप्टर है, तो नेम रिएक्शन कर लो, टेस्ट कर लो इसके, टेस्ट कर लोगे तो तुम्हारे पैसेज में काम आएगा। पैसेज वाले क्वेश्चन जो तुम्हारे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10 है या C4H8 है, उसका ओजोनोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, तो ये सारे नेम रिएक्शन में और इसके टेस्ट में तुम्हें क्वेश्चन करने को मिल जाएगा, या उतना तुम्हारा नेम रिएक्शन से टेस्ट से तुम्हारा क्या ना कि एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन निकल जाएंगे बच्चे। अगला देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में सिंपली आप एसिडिक तैयार कर लो और एसिडिक नेचर तैयार कर लो, ठीक है। अगर -I वाले जो ग्रुप होते हैं ये एसिड को बढ़ाते हैं, तो इनकी आप किसी भी स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस कर लीजिए, किसी भी PY के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो अमीन से एक छोटा चैप्टर है बेटा, आपको ये सिंपली क्या है ना 6 नंबर टॉपिक दे के चला जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माई ओपिनियन, माई सजेशन की आप अमीन तैयार कर लो, बायो मॉलिक्यूल तैयार कर लो ऑर्गेनिक में, इन दो चैप्टर्स को आप अच्छे से एकदम टिप्स पे रखो। अमीन्स में आप हॉफमैन, दो ही नेम रिएक्शन बड़े पॉपुलर है, हॉफमैन है, कार्बिलेविन रिएक्शन है, इसी पे आपको मेजोरिटी में लिख के देता हूँ कि पेपर में आपको 2 या 3 मार्क्स ऐसी से पा जाओगे। तो बेटा हॉफमैन को, कार्बिलेविन को अच्छे से सेट कर लो दिमाग में। अगला क्या है, बेसिक नेचर है, तो बेसिक नेचर में इस पे आपको ऑर्डर वाले पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो ये भी आप अलग से दिमाग में सेट कर लीजिए, इस पे बेटा क्वेश्चन आना ही आना है। तो अमीन्स में हॉफमैन, कार्बिलेविन, बेसिक नेचर, अनसॉल्युबिलिटी हो गया या बॉइलिंग हो गया, उन सबका ऑर्डर 123 होता है। 123 का मतलब सिंपली क्या होता है, 1 डिग्री का अमीन, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री आएगा। अब बेटा देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है बायो मॉलिक्यूल है, क्या है बेटा बायो मॉलिक्यूल है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये क्लासिफिकेशन मोनोसेक्राइड हो गया, ओलिगोसेक्राइड हो गया, फिर इसके बाद से पॉलीसेक्राइड हो गया, इनके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद कर लेना है, 1 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। फिर इसके बाद बेटा स्पेशली क्या बच गया आपके पास, ग्लूकोज की ये रिएक्शंस हैं, तो ग्लूकोज की ये 5 रिएक्शंस आती हैं, HI के साथ क्या होता है, SCN के साथ क्या होता है, NH2OH के साथ क्या होता है, ब्रोमीन वाटर के साथ क्या होता है, HNO3 के साथ क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्या होता है, इन्हें सबको अच्छे से रट्टा मार लेना है, क्योंकि आपको 1 नंबर से 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। फिर इसके बाद एनोमर क्या होता है, थ्योरी में क्वेश्चन ये पूछ लेता है, तो अल्फा बीटा जो ग्लूकोज शो करते हैं उसी को बेटा क्या बोलते हैं, एनोमरिक कार्बन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एनोमरिक कार्बन बोला जाता है। अगला बच्चे आपके पास क्या है, अगला आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, जितने भी देखो लिंकेज होते हैं उनको अच्छे से याद कर लो, तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, फिर इसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट बस इतना ही तैयार करना है। प्रोटीन्स में बच्चे सिंपली क्या होता है, अमीनो यानी पेप्टाइड लिंकेज होता है, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी में ज्यूटराइन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये एक नया टर्म है, तो पेपर में चांसेस बन जाता है। अगला बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में देखो आपको सेकेंडरी प्राइमरी नहीं पढ़ना है, उसे क्वेश्चन नहीं आता है, अल्फा पढ़ लो, बीटा पढ़ लो, इनके डिफरेंस। फिर बेटा टर्सरी में स्पेशली क्या होता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर में डिफरेंस पूछता है, इसी में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन आता है, तो प्रोटीन्स में स्पेशली जितना मैंने हाईलाइट किया है इनको आप अच्छे से पढ़ के चले जाना, इनका शॉर्ट टर्म बना लेना। अगला बच्चे देखो बच गया न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA का डिफरेंस हो गया, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा होता है, न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बेस होता है, ठीक है, और आपके पास पिरिमिडीन बेस क्या होता है, प्यूरिन बेस क्या होता है, तो इतनी सारी चीज़ें बेटा आपको न्यूक्लिक एसिड में तैयार कर लेना है। एक छोटा सा टॉपिक बच गया है विटामिन्स है, तो विटामिन्स में बेटा सिंपली क्या कहते हैं, विटामिन्स में आप सिंपली एक फैट सॉल्युबल होता है, तो फैट सॉल्युबल में बेटा सिंपली क्या याद कर सकते हो, अधिक, तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन बन जाता है अधिक, या फिर इसको सॉल्टिक कीड़ा से याद कर सकते हो। एक हो जाता है बेटा वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल वाले में सिर्फ B और C आता है। तो ये देखो आपका मैंने चैप्टर का एक बेटा पोस्टमार्टम कर दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तो एक बार देखो फिर मैं समरी कर देता हूँ कैसे कैसे मैं आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा, क्या क्या मेरा प्लानिंग है। तो बेटा 22 को 9:30 पे मैं आपको मिलूंगा सॉल्यूशन विथ PYQ के साथ,
ये आपका मेरा लाइफ क्लास का स्ट्रेटेजी है। फिर इसके बाद बेटा मेरा प्लानिंग है 23 को, तो मैं इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, अगर समय मिल जाएगा तो डी ब्लॉक को भी इंडअप कर दूंगा। फिर 24 को देखो मेरा बेटा स्ट्रेटेजी है, 24 को मैं ऑर्गेनिक को टच करूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक के साथ साथ इसमें मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हैं। फिर इसके बाद बेटा आपके पास बचेगा 25 तारीख, तो 25 तारीख वाले में स्पेशली मैं ऑर्गेनिक को, जो भी आपके अमीश चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक प्लस बायो मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक प्लस बायो मॉलिक्यूल का मेरा ये कंटेंट रहेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बेटा 26 तारीख को मैं महामैराथन लेकर के आऊँगा, उसमें जितने भी एमसीक्यू के प्रैक्टिस हैं, यानी मेरे पास सारा पीपीटी तैयार है, तो जितने भी 10 साल में एमसीक्यू आए हुए हैं, तो मैं उसमें क्या करूँगा, आपके साथ इसमें एमसीक्यू का प्रैक्टिस करूँगा। महामैराथन क्लास रहेगी, 9:30 पे ही रहेगा, या हो सकता है मैं आपको पहले से भी अपडेट कर दूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बेटा मेरा ये लाइव क्लास का शेड्यूल है, यानी जब भी मेरे को टाइम मिल जाएगा तो मैं लाइव क्लास में आकर के ये सारे को, लाइव क्लासेस में आकर के मैं ये सारे चीज़ों को आपको बेटा क्या करता रहूँगा, रिविजन कराऊंगा पीवाईक्यू के साथ। तो मेरा सारा लाइव क्लास में बेटा मकसद है कि जितने भी 10 सालों में पीवाईक्यू आए हुए हैं, क्या आए हुए हैं, पीवाईक्यू, जितने भी 10 सालों में पीवाईक्यू आया हुआ है, उनको मुझे इस डेट के माध्यम से फाइनलाइज करना है। तो बेटा ये चैप्टर हो गया आपका स्पेशली, यानी 27 तारीख का ये मेरा स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी से फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें लगभग 65-68 तक स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से होगे, तो जीरो लेवल से होगे, तो आप मेरे जो कंटेंट हैं, या स्पेशली जो मैंने इसमें हाईलाइट किया है, खाली आप उतना पढ़ लीजिए, तब पर भी आप इसमें 30 से लेकर के 40 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं बेटा। तो बस ये मेरा स्ट्रेटेजी था आपको 27 तारीख को लेकर के, एग्जाम को लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको और आगे अपने मित्रों तक शेयर करें, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, थैंक यू।